नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री जीएम डोंडा प्राइमरी स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कोयल, स्टैंडर्ड फिफ्थ, लेसन नंबर 7। काव्य है कोयल, साहित्य प्रकार है कविता, उसकी लेखिका है, पोएटकार है सुभद्रा कुमारी चौहान। यहाँ पर कोयल के बारे में बात की गई है। कोयल क्या है? कोयल जो है वो एक पक्षी है। कोयल पक्षियों की रानी है, रानी कहलाती है। कोयल की आवाज़ मीठी होती है, वो कू कू कर आमों में मिश्री घोलती है। आम, आम्र का वृक्ष है, आम के वृक्ष पर कोयल जो है वो रहती है। कोयल को आम का वृक्ष अच्छा लगता है। कोयल हमेशा आम की टहनी पर, डाली पर रहती है। वो उनका खोराक जो है वो है कीड़े, चींटियाँ, वो ऐसी उनकी खोराक है। वो हमेशा मधुर गाती है और मीठी बोली। कोयल जो है ना, एक मादा कोयल बहुत चतुर पक्षी है। अपने अंडे को कौवे के घोंसले में रखती है और कौवा जो है वो अपना अंडा समझकर उनको सेते हैं। तो जब उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब उड़ते हैं, तभी उनको पता चलता है कि ये तो कोयल के बच्चे हैं। ये हर बार होता है। ये कोयल जो है वो बहुत चतुर पक्षी है, बहुत होशियार है। तो इसी कोयल के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। कोयल काव्य हमारा है कोयल। तो ये मीठी बोली भी हमने कोयल ने ही सुनाई। कोयल जब बोलती है मधुर आवाज, उनको खासकर वसंत ऋतु बहुत प्रिय लगती है। कोयल को वसंत ऋतु जो है वो बहुत प्रिय लगती है। तो ये उनकी बोली, देखते हैं हम काव्य क्या हमें बताया है। कोयल कोयल सच बताओ, क्या संदेशा लाई हो? बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। कोयल को सुभद्रा कुमारी चौहान ने बड़े अच्छे से ये कविता रची है, कोयल। हम देखते हैं कि कई बार कवियों ने भी कोयल के बारे में बहुत सारी बातें बताई है, कोयल का उल्लेख किया है। तो कई पिक्चर में भी कोयल का नाम आता है। कोयल एकदम मधुर बोलती है, उनकी वाणी जो है वो एकदम मधुर है। तो वो जब कू कू करती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, मीठा लगता है। हमें लगता है कि जरूर बारिश आने लगती है, बारिश का मौसम शुरू होता है और कोयल कूकने लगती है। तो कोयल कोयल सच बतलाओ, क्या संदेशा लाई हो? कोयल कोयल आज तुम सच बताना, आज कौन सा समाचार लाई हो? कौन सा नया समाचार आया है तुम्हारे पास? कौन सा संदेश आया है? तो बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। बहुत दिनों के बाद आज फिर तुम इस डाली पर आई हो। तो इस डाली पर आने की वजह क्या है? तुम कोई संदेश लाई हो कि बहुत दिनों के बाद आज तुम आई हो? तो क्या कोई संदेश लेकर आई हो तुम? तो हाँ, क्या गाती हो, किसे बुलाती? तुम क्या गाती हो, किसे बुलाती हो? बतला दो कोयल रानी। कोयल को रानी कहा है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। यहाँ पर देखो, कोयल जो है वो पक्षियों की रानी है, सही बात है। तो यहाँ पर कवियत्री हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान ने भी ये कोयल को रानी कहा है कि क्या गाती हो, किसे बुलाती? बतला दो कोयल रानी, तुम क्या गाती हो, किसे बताती हो? ये आज तुम हमको बतला दो। प्यासी धरती देख मांगती, क्या मेघों से पानी? प्यासी धरती को देखकर
क्या तुम मेघों से पानी मांग रही हो? कोयल रानी, तुम धरती जब धरती सूख जाती है तब कोयल कूकने लगती है, तो हमें लगता है कि बस अब बारिश का मौसम शुरू होने वाला है। सब जगह पर घनघोर आम्र के वृक्ष में कोयल रहती है, आम के पेड़, आम जो है सबसे मीठा फल है, फलों का राजा वो है आम, तो आम तो सबसे मीठा फल है, तो उनके ऊपर कोयल रहती है और कोयल कूक कूक कर वो आम्र के फल है उसमें मिठास घोलती है, आम्र के फल में मिठास घोलती है, वो कुक कुक कर अपने कुक कुक आवाज से, अपनी मीठी आवाज से वो आम्र में मिश्री घोलती है। क्या गाती हो, किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी, प्यासी धरती देख मांगती क्या मेघों से पानी, कोयल मीठा क्या तुमने अपनी माँ से पाई है, क्या कोयल तुमने यह मिठास क्या अपनी माँ से पाई है, क्या तुम बताओ यह मिठास जो तुम्हारे अंदर भरी है, तुम मीठा मीठा बोलती हो, ये मिठास जो है क्या तुमने अपनी माँ से पाई है, माँ ने ही क्या तुमको मीठी बोली यह सिखलाई है, क्या तुम्हारी माँ ने ही ये मीठी बोली सिखाई है तुमको। बड़े आश्चर्य से क्वेश्चन करती है हमारी कवियत्री। डाल डाल पर उड़ना गाना जिसने तुम्हें सिखाया है, सबसे मीठा मीठा बोलो यह भी तुम्हें बताया है, क्या कहा है, डाल डाल पर उड़ना गाना जिसने तुम्हें सिखाया है, सबसे मीठा मीठा बोलो, सबके साथ मीठा मीठा बोलो, मीठी वाणी में अपना वर्तन भी, अपनी वाणी भी मीठी मीठी वाणी, मधुर वाणी बोलो कि हमारी वाणी सुनकर सामने वाले को अच्छा लगे, चाहे हमें क्वेश्चन पूछे कुछ पूछे, पर हमारी वाणी में मधुरता मिठास होनी चाहिए। तो यहाँ पर कवियत्री कहती है कि डाल डाल पर उड़ना गाना जिसने तुम्हें सिखाया है, सबसे मीठा मीठा बोलो यह भी तुम्हें बताया है, सबसे मीठा मीठा बोलने बोलना यह भी तुमसे ही हमने सीखा है, तुमने ही सिखाया है, बहुत भली हो तुमने माँ की बात सदा ही मानी है, तुम बहुत भली हो, भली मतलब अच्छी हो, तुम बहुत अच्छी हो, तुमने सदा अपनी माँ से अपनी माँ की बात मानी है, सदा ही माँ का कहना तुमने माना है, बहुत भली हो तुमने माँ की बात सदा ही मानी, इसलिए तो तुम कहलाती हो सब चिड़ियों की रानी, इसलिए तो तुम सब चिड़ियों की रानी कहलाती हो। बहुत छोटी सी काव्य पंक्ति यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान हमारी कवियत्री ने कोयल की अच्छी सी ये कहानी हमको सिखाई। एक बार फिर से मैं दोहराती हूँ, कोयल कोयल सच बतलाओ क्या संदेशा लाई हो, बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो, क्या गाती हो किसे बुलाती बतला दो कोयल रानी, प्यासी धरती देख मांगती क्या मेघों से पानी, कोयल यह मीठा क्या तुमने अपनी माँ से पाई है, कोयल यह मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है, माँ ने ही क्या तुमको मीठी बोली यह सिखलाई है, डाल डाल पर उड़ना गाना जिसने तुम्हें सिखाया है, सबसे मीठा मीठा बोलो यह भी तुम्हें बताया है, बहुत भली हो तुमने माँ की बात सदा ही मानी है, इसीलिए तो सब चिड़ियों की रानी तुम कहलाती हो। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि ये कविता आपको समझ में
आ गई होगी। बहुत छोटी सी कविता है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते।